सरकार को जेल भेजे जाने के मामले में पूर्व मंत्री ने लिया जायजा। पूर्व मंत्री ने की तीखी प्रतिक्रिया। कहा निरंकुश हो चुके हैं लालगंज थाना प्रभारी हेमंत कुमार सिंह पटेल ने कायदे कानून को भी रख दिया ताक पर। वर्दी के घमंड पर पत्रकार और वकीलों को ढकेलते हुए किए बाहर। चौथा स्तंभ का किए हैं हनन। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज के थाना प्रभारी हेमंत कुमार सिंह पटेल के काले कारनामों का खुलासा। ग्राम बरखच के रहने वाले पत्रकार भूप नारायण मौर्य और उनके परिवार के ऊपर टूटा लालगंज थाना प्रभारी हेमंत कुमार सिंह पटेल का कहर। भूप नारायण मौर्य के घर पर 11 अक्टूबर रात्रि करीब 9 बजे पूर्व प्रधान काशीनाथ पटेल के उकसाने से गांव के करीब 10 से 15 लोग उनके घर पर लाठी डंडे धारदार हथियार के साथ मारपीट करने लगे। भूप नारायण मौर्य और उनके परिवार वालों को पूरी तरीके से मारे और सभी लोगों को काफी चोट आई और कई लोग खून से लथपथ भी हो गए और दो महिलाओं और दो बच्चियों को भी काफी चोट आई और 112 नंबर मौके पर पहुंचकर थाना लालगंज की गाड़ी पहुंची और सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराई और सुबह होते ही हेमंत कुमार थाना प्रभारी सभी घायलों को लेकर लॉकअप में डाल दिए। साथ में दो महिला और दो नाबालिग बच्चियों को भी बिना लेडीज पुलिस के अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिए और उनके साथ उनको देखने गए पत्रकार संतोष कुमार को भी जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए 2-3 थप्पड़ मारकर लॉकअप में बंद कर दिया और 36 घंटे तक सभी लोगों को लालगंज थाना लॉकअप में बंद रखे और उसके बाद उनको चालान कर दिया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए दशरथ मौर्य की खास रिपोर्ट। सर, आप कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और आज मौर्य परिवार के ऊपर थाना प्रभारी लालगंज पत्रकार भूप नारायण मौर्य के ऊपर जो जुल्म हुआ है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? उनके संबंध में सिर्फ मुझे इतना कहना है कि पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार की जानकारी मुझे कोराव में आयोजित धम्म विजय दिवस के मौके पर मिली। जी, और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे। सारे लोगों ने थाना प्रभारी लालगंज हेमंत कुमार सिंह पटेल की बहुत ही निंदा की। मुझे यह बात जानकारी में आई कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो मैं भी पीड़ित परिवार से मिलूँ, तो लौटते समय मैं उनके परिवार के लोगों से मिलने की कोशिश किया तो पता लगा कि सारे पुरुष वर्ग को तो पुलिस ने जबरदस्ती जेल भेज दिया है, सिर्फ घर में महिलाएं बची हैं और महिलाओं के साथ भी थाना प्रभारी लालगंज हेमंत कुमार सिंह पटेल और उनके सहयोगियों का अत्याचार प्रतिदिन बदतमीजी करने का। प्रतिदिन घर जाते हैं और धमकी देते हैं, बद्दी बद्दी गाली देते हैं, अश्लील पंक्तियाँ कसते हैं। यह इंसानियत, इंसाफ, जनतंत्र, नियम कानून, संविधान के विरोध में है। ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांचों उपरांत CRPC की धारा 197 के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और हथकड़ी लगाकर उनके सहयोगियों से जेल भेज देना चाहिए। यही इंसाफ का तकाजा है। लेकिन सर, अभी तक अगर देखा जाए तो जो न्याय की बात है, क्योंकि उल्टा पत्रकार जो है मारे भी गए और ऊपर से जो है जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं उनको ही गुंडा कह रहे हैं, उनको दबंग कह रहे हैं, उनको क्रिमिनल कह रहे हैं और कहने के बाद जो है उनको जो है 36 घंटे जेल में रखे, जो कि संविधान या कानून में ये नहीं लिखा कि किसी को 36 घंटे जेल में रखा जा सकता है, उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर, जो कि 36 घंटा पुलिस अपनी दबंगई के बल पे उनको जेल के अंदर रखे रहे? माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जनपद मिर्जापुर और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर से निवेदन करूँगा कि भारतीय संविधान के प्रावधान के आलोक में पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी के औचित्य को न्यायोचित ठहराने का भी अधिकार है और आज तक न्यायोचित नहीं ठहराया जा रहा है। इसलिए तत्काल प्रभाव से स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को पदमुक्त करने के लिए निलंबित कर जांचोपरांत बर्खास्त की कार्रवाई करना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में विधि के शासन की स्थापना हो सके। मुझे तो हेमंत कुमार पटेल थाना प्रभारी लालगंज के रवैये से जो जनता से पूछने से पता लगा।